बागेश्वर सरकार विदिशा के पठारी में छतरपुर के श्री बागेश्वर धाम के त्रिकालदर्शी एवं श्री राम कथावाचक श्री महंत धीरेन्द्र गर्ग जी महाराज बीना से अटारी खेजड़ा से वापस आते समय कुछ समय पठारी में प्रवास किया। इस दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित कर आशीर्वाद दिया। बीना में 10 दिवसीय आयोजित श्री राम कथा एवं श्री बागेश्वर धाम दिव्य दरबार के त्रिकालदर्शी श्री महंत धीरेन्द्र गर्ग जी महाराज अटारी खेजड़ा में आयोजित श्री रामकथा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पठारी से विशाल काफिले के साथ गुजरे जिनकी पठारी में पूजा अर्चना आरती उतार कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने चरण पखार कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री बागेश्वर सरकार का सप्त मात्र का गुफा से लेकर कृषि उपज मंडी तक जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। चमत्कार के कारण अपनी बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा दास की परंपरा से तीन परंपरा से दरबार लग रहा। हमारे दादा भी लगाते थे, उसके पहले भी वो भी दरबार दास आया है, तो हनुमान जी की कृपा से और हनुमान जी से लोग। अच्छा महाराज जी, जैसे कि इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म पे विपत्ति आई है, नया भक्ति आंदोलन आया है और भक्ति से द्वारा संस्था धर्म की स्थापना हुई, आप भी आज भी ऐसा लग रहा है कि द्वारा से भक्ति का जागरण होने लगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बुंदेलखंड जग रहा है, लोग राम के लिए जग रहे हैं, पूरे भारत में जग रहे हैं। और हमने बहुत पहले भी एक कथा में कहा था, आज फिर से कहते हैं कि सनातनी एक हो रहे हैं। इसका परिणाम पूरे भारत की सड़कों पर, पूरे भारत के सनातनी हिंदुओं के दिलों पर दिख रहा है, चेहरे की मुस्कान बता रहा है। युवाओं को क्या संदेश है? युवाओं से यही कहना है, माता पिता और गुरु के आदर्शों पर चलें, माता पिता को लेकर के चलें, आप जीवन में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। नशा नाश करा देगा, राम का नशा आपका नाम बढ़ा देगा। काफी आपकी आस्था से जुड़ते जा रहे हैं, ये कैसे ये संभव होता है कि लोगों की जो समस्याएं होती हैं उसका निदान मिल जाता है, ये कैसे संभव होता है? धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, ये सब बागेश्वर बालाजी की कृपा के कारण है। और लोग हमारे चमत्कार के कारण अपनी बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा दास की परंपरा से तीन परंपरा से दरबार लग रहा है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि इतिहास गवाह है, जब जब धर्म पे विपत्ति आई है, नया भक्ति आंदोलन आया और भक्ति से द्वारा संस्था धर्म की स्थापना हुई, आप भी आज भी ऐसा लग रहा है कि द्वारा से भक्ति का जागरण होने लगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बुंदेलखंड जग रहा है, लोग राम के लिए जग रहे हैं, पूरे भारत में जग रहे हैं। और हमने बहुत पहले सनातनी हो रहे हैं, इसका परिणाम पूरे भारत की सड़कों पर, पूरे भारत के सनातनी हिंदुओं के दिलों पर दिख रहा है, चेहरे की मुस्कान बता रहा है। युवाओं को क्या संदेश है? युवाओं से यही कहना है, माता पिता और गुरु के आदर्शों पर चलें, माता पिता को लेकर के चलें, आप जीवन में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। नशा नाश करा देगा, राम का नशा आपका नाम बढ़ा देगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।